आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगी सरकार 2.0 का आज जो विधायकों के मंत्री जो नेता है उनका आज चुनाव होगा। इसी बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है, नई सरकार के गठन की तैयारी से जुड़ी बड़ी खबर। नई सरकार में सिर्फ दो डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने रहेंगे, दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे, यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जाएगा, वहीं बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महेंद्र सिंह भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जीत कर आए अधिकांश मंत्री रिपीट होंगे। योगी 2.0 की जो कैबिनेट है, जो मंत्रालय है, उससे जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वहीं बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक जारी है, नई सरकार के गठन की तैयारी को लेकर। नई सरकार में सिर्फ दो डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आज सामने आ रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जाएगा, बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है, महेंद्र सिंह भी कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे, जीत कर आए अधिकांश मंत्री रिपीट होंगे, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि जो अहम बैठक है वो अभी चल रही है, बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक जारी है नई सरकार के गठन की तैयारी को लेकर। योगी 2.0 की सरकार की तैयारी को लेकर बैठक जारी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने है कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने रहेंगे, वहीं सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जाएगा, बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। वो बता दे कि बेबी रानी मौर्य भी राज्यपाल का पद छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़ी थी और उन्हें जीत दर्ज किया है। इसी बीच बड़ी खबर उनसे भी जुड़ी हुई सामने आ रही है, उन्हें कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। वहीं बीजेपी दफ्तर में अभी भी अहम बैठक चल रही है, नई सरकार के गठन की तैयारी की नई बैठक चल रही है। नई सरकार में सिर्फ दो डिप्टी सीएम होंगे, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है। योगी शपथ ग्रहण की मेगा तैयारी लगातार चल रही है, ऐतिहासिक जीत की ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण होना है। वही सूत्रों के मुताबिक अगर बात किया जाए तो 48 विधायक जो है वो मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। वही लगातार बैठक जारी है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वही तैयारी भी शपथ ग्रहण की चल रही है, साथ ही साथ मंत्री जो है उनके मंत्रिमंडल के विस्तार का भी गठन चल रहा है। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने, जो 48 विधायक है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। और अगर बात किया जाए डिप्टी सीएम की तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर डिप्टी सीएम को लेकर भी सामने आ रही है कि इस बार भी दो ही डिप्टी सीएम रहेंगे। बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल का पद छोड़कर विधायकी लड़ी थी, उन्होंने अपना जीत दर्ज किया था, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। जितने भी जीत के आए हैं मंत्री, उन्हें मंत्री पद पर बने रहेंगे। वही लगातार सभी जो बड़े नेता है, बड़े दिग्गज है, सबका लखनऊ पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। कई दिग्गज हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है, बैठकें लगातार जारी है मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए। वही 48 कुल विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। लगातार सबकी नजरें मंत्रिमंडल पर भी टिकी हुई है कि किसको कौन सा जो मंत्रालय है वो मिलेगा। हालांकि बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि दो डिप्टी सीएम बने रहेंगे इस बार भी, जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जो है वह कल इकाना स्टेडियम में होना है। उसके पहले आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसको लेकर बैठक होने वाली है। वहीं कई दिग्गज हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। अगर बात किया जाए डिप्टी सीएम की तो तमाम लोगों की नजरें डिप्टी सीएम पर लगी हुई हैं। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस बीच की सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में दो ही डिप्टी सीएम बने रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोबारा डिप्टी सीएम बन सकते हैं।
ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वही बेबी रानी मौर्य के नाम को भी काफी लोग चर्चा में लाए थे, लोगों का ऐसा कहना था। वही बड़ी खबर उनके नाम की भी सामने आ रही है कि बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य पहले राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर चुनाव लड़ी थी। लगातार ऐतिहासिक जीत के बाद ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और इस शपथ ग्रहण में कई दिग्गजों के साथ साथ जो लाभार्थी हैं वो भी शामिल होंगे। एक अलग तरह से सरकार, नई सरकार में सिर्फ दो डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, दिनेश शर्मा भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से सामने खबर आ रही है। सुरेश खन्ना को स्पीकर बनाया जा सकता है। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा। बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी जीत कर आए अधिकांश मंत्री रिपीट होंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। नई कैबिनेट में ज्यादा नई तैयारी के गठन, नए सरकार के गठन की नई तैयारी और इस सरकार में लगातार जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधा जाएगा। हर जो वर्ग के लोग हैं उनको इक्वल इसमें मौका दिया जाएगा। वही बड़ी खबर, जो युवा चेहरे हैं, युवा चेहरों को भी सरकार में जगह दिया जाएगा। बड़ा जो एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो दो डिप्टी सीएम है वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। वही महेंद्र सिंह भी मंत्रिमंडल में ही शामिल हो गए होंगे। जीत कर आए अधिकांश जो मंत्री है वो मंत्रालय में बने रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक चल रही है। वही इस बीच की बड़ी खबर जो डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर उनको भी सामने आ रही है, बेबी रानी मौर्य को भी लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। वही इस बार जो जातिगत समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग हर वर्ग के लोगों को एक इक्वल मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में भी। वही जो युवा विधायक है, जो युवा चेहरे हैं, उनको भी अलग एक मौका दिया जाएगा। कई दिग्गज और कई हस्तियों को शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया गया है। योगी सरकार 2.0 शपथ ग्रहण भी बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बड़े चेहरे, अहम चेहरों के साथ साथ जो लाभार्थी हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार सबकी नजरें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है कि इस बार जो योगी सरकार 2.0 है उसका मंत्रिमंडल विस्तार किस तरह से होगा। तो इस बीच की बड़ी खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ साथ जो भी युवा चेहरे हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। योगी सरकार 2.0 में जातिगत समीकरण को भी साधा जाएगा। जिस तरह से तमाम पहले भी सरकार पर आरोप लगा है कि एक विशेष जाति के लिए सरकार एक वे में गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हर जाति को इक्वल मौका दिया जाएगा इस सरकार में। कहीं ना कहीं 2024 को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इकाना स्टेडियम में कल शपथ ग्रहण समारोह है। योगी सरकार ऐतिहासिक जीत का शपथ ग्रहण समारोह भी कल है और लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो बड़े बड़े चेहरे हैं सभी लखनऊ में मौजूद हैं। अलग दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, विधायक और सांसद को भी अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो भी पार्टी कार्यकर्ता है जो आएंगे लखनऊ, उनकी गाड़ी में पार्टी का झंडा होना अनिवार्य है। वहीं डॉक्टर, इंजीनियर्स के साथ साथ जो साधु संत हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। एक बड़ी ऐतिहासिक जीत योगी आदित्यनाथ की ये है, 2.0 जो योगी सरकार की एक ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत में जितने भी साधु संत हैं वो भी शामिल होंगे। कई दिग्गज हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है। साथ ही साथ
शासित राज्य है, उन सभी राज्यों के सीएम को भी न्योता दिया गया है। एक ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश है योगी सरकार 2.0 के। वही आप देख सकते हैं कि योगी शपथ ग्रहण की मेगा तैयारी चल रही है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार लोक भवन के बाहर से मौजूद है। लगातार मीटिंग चल रही है, मीटिंगों का दौर जो आ रही है, सभी दिग्गज जो पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ मौजूद है लोक भवन से। नितिन, कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं और कौन कौन से दिग्गज के आने का जो एक वो है जारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, जितने भी बड़े नेता हैं, वो सब जो लोक भवन है वहां पर आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक हो रही थी, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे आए और दिखाएं। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि गेट के बाहर अटल जी की एक प्रतिमा है। अटल जी की प्रतिमा पर सबसे पहले माल्यार्पण और फूल अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद ये सभी नेता जो है वो अंदर इसी रास्ते से अंदर की तरफ आएंगे। देखिए जी, उसके बाद ये सभी जो नेता है वो अंदर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री जो कि पर्यवेक्षक भी हैं, अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह जी। नितिन, कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं? बिल्कुल साफ तौर पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार चल रही। वहीं आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा जिसका शपथ ग्रहण कल होएगा और इसको लेकर लगातार बड़े बड़े हस्तियों का लोक भवन पहुंचना जारी है। बड़े चेहरे जो है वो लोक भवन पहुंच रहे हैं इस मीटिंग को लेकर के। लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता जो अहम बैठक में हिस्सा लेंगे, सबका लोक भवन पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और वही योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है इस अहम बैठक में। वही अगर बात किया जाए आज के जो अहम मीटिंग है, अहम मीटिंग में लगातार सभी पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल है, लेकिन आज से ही जो बड़े चेहरे हैं वो लखनऊ में मौजूद हैं। आज जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, योगी शपथ ग्रहण की मेगा तैयारी चले। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो बड़े चेहरे हैं जो इस मीटिंग में अहम हिस्सा लेंगे उनका पहुंचना राजभवन। जितने भी विधायक हैं वो सारे विधायक पहले ही से आ चुके हैं और बिल्कुल इस वक्त दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और एक बार फिर से उनके नाम पर कवायद चल रही है, चर्चा चल रही है। दिनेश शर्मा बिल्कुल सामने की तरफ और दिनेश शर्मा इस वक्त अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कई और बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता जिनके साथ ये बैठक होनी है वो सारे बड़े नेता इस वक्त आते हुए नजर आ रहे हैं। राज देखिए, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त सामने की तरफ जाते हुए। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हुए, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक भी है वो भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, ये सारे जो बड़े नाम है वो सब इस बैठक में अब शामिल होने के लिए जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद, बिल्कुल अब थोड़ी देर बाद ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे जो बड़े नेता है वो इस बैठक में आ चुके हैं और बैठक का जो सिलसिला है, बैठक का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। सारे जो बड़े मंत्री हैं वो सब अब इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, गृह मंत्री जो कि पर्यवेक्षक भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सभी इस बैठक में अब
अंदर की तरफ चले गए हैं और यही वो ऑडिटोरियम है जिस ऑडिटोरियम में ये विधायक दल की जो बैठक है इस वक्त चल रही है। इस ऑडिटोरियम के अंदर लगभग सभी विधायक मौजूद हैं और विधायकों के साथ जो जितने भी सीनियर लीडर जिनके जिनकी देखरेख में ये बैठक होनी है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा, जिसमें अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक भी हैं, गृह मंत्री भी हैं देश के, वो आ चुके हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जिनके नाम पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अगर बताया जाए तो बीजेपी कार्यालय पर एक बड़ी बैठक चल रही थी और उस बैठक में कहीं ना कहीं ये विचार विमर्श, ये चर्चा चल रही थी कि आखिर किसे जिम्मेदारी दी जानी है, किसे जिम्मेदारी नहीं दी जानी है। और अब लगभग ये सारी चीजें जो है वो फाइनल हो चुकी है कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और अब उसके बाद विधायक दल की जो बैठक का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। वही मौजूद है जहां पर मीटिंग चल रही है, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। वही जिन चेहरों पर सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल के साथ साथ कई अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, साथ ही साथ एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आई थी कि जो दोनों डिप्टी सीएम है वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के साथ ये दोनों चेहरे भी नजर आए। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद भी वहां पर मौजूद थे। लगातार सभी दिग्गजों का वहां पहुंचना जारी है, ये मीटिंग शुरू होने वाली है। आज जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा जिसको लेकर और कई अहम फैसले जो है मंत्रिमंडल को लेकर किए जा सकते हैं, वो मीटिंग शुरू होने हो चुकी है और सभी दिग्गज पहुंच चुके हैं इस वक्त। लगातार जिस तरह से सभी दिग्गज वहां पर पहुंच रहे, जिन चेहरों पर एक बड़ी आप कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने थी, वो सभी चेहरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी नितिन, अभी जो आपने देखा तस्वीरों में कि जिन चेहरों पर बड़ी दांव खेले जा सकते हैं, वो सभी चेहरे योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आए इस मीटिंग में। और कुछ क्या है मैं नितिन, और कौन कौन से बड़े चेहरे शिरकत कर रहे हैं? 14 से 15 दिन का समय बीत चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद। कल उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उसके पहले विधायक दल का नेता जो है चुनने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और यही वो सभागार है जिसके अंदर ये प्रक्रिया जो है चल रही है। लगभग सभी विधायक अब से थोड़ी देर पहले आ चुके हैं, 270 प्लस विधायक। इसके अलावा कई सारे MLC भी अब तक आ चुके हैं और अब जिनका इंतजार था वो भी आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रह चुके हैं, दिनेश शर्मा सीएम रह चुके हैं वो आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी आ चुके हैं। और अब जो बैठक है वो बैठक अंदर शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या औपचारिक घोषणा होनी है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि औपचारिक रूप से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि पहले 5 साल का कार्यकाल एज अ सीएम उन्होंने बिताया हुआ है और अब एक बार फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनके चेहरे पर मुहर लगनी है और उसी मुहर के लिए आज ये विधायक दल की जो बैठक है त्रिशला वो हो रही है। जी बिल्कुल नितिन, जो खबर भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी वो सारे जो बड़े चेहरे वहां मौजूद है। और क्या कुछ अपडेट है नितिन वहां से, लोकभवन से? देखिए अभी किसी प्रकार का कोई बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब ये जो बैठक है वो बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में किसे चुना जाएगा विधायक दल का नेता, क्योंकि लगभग मुहर तो लगी है उस नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में, लेकिन बाकी चीजें ये हैं कि एक औपचारिकता जो है उस औपचारिकता को पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है और यही वो सभागार है जिस सभागार के अंदर जो है वो बैठक का सिलसिला चल रहा है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष जीते हुए विधायक हैं वो इस वक्त मीटिंग में मौजूद है और जिसका इंतजार था गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और ये औपचारिक मीटिंग जो है विधायकों का जो नेता है उसको चुनने का ये मीटिंग चल रही है। और योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह भी कल है, एक ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी कल है। तो अभी जो एक अहम प्रोसेस होता है, एक जो प्रक्रिया होता है विधायक दल का नेता चुनने का, उसकी जो अहम मीटिंग होती है वो लोक भवन में शुरू हो चुकी है। सभी जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जो भी जीते विधायक हैं, सब इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। लगातार हम आपको ताजा अपडेट लोक भवन से दिखा रहे हैं कि जो भी बड़े चेहरे हैं, जो भी दिग्गज वो पहुंच
चुके हैं। सूत्रों के हवाले से कई बड़ी खबरें सामने आ रही, कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि बाद के जो 48 जो विधायक है जो युवा है उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि जो डिप्टी सीएम है वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे, दोबारा उन्हें ही मौका दिया जाएगा। और जो 2024 को देखते हुए जो जातीय समीकरण है एक उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी, एक जाति को देखते हुए इक्वल जो मंत्रिमंडल में जगह है वो सभी को दिया जाएगा। और इन सब तमाम बातों का जो एक निष्कर्ष है वो इस मीटिंग के बाद या कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद पता चल जाएगा कि किसको किसको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, किसको किसको कौन सी खास जिम्मेदारियां मिली है। लगातार शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी है, इस ऐतिहासिक जीत की, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी है। इस शपथ ग्रहण में कई दिग्गज हस्तियों को भी निमंत्रण दिया गया है, साथ ही साथ जो लाभार्थी है कई योजनाओं के, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, सभी को आमंत्रण दिया गया है। डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ साथ जो साधु संत हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। वही लोक भवन में जो एक अहम प्रक्रिया है विधायक दल का नेता चुनने का वो जारी है, वो शुरू हो गया है, एक मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के बाद जो नेता है विधायकों के उन्हें चुना जाएगा। इस वक्त लोक भवन पर सभी जो बड़े चेहरे हैं, जो संबंधित पॉलिटिशियंस से, वो सभी वहां पर मौजूद हैं। और इस मीटिंग के बाद जो विधायक दल के नेता है उन्हें चुना जाएगा। महेंद्र सिंह और स्वतंत्र देव सिंह, गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, वो भी मौजूद है। लोक भवन में यह मीटिंग चल रही है। लोक भवन में बीजेपी दल की बैठक शुरू हो चुकी है, गृहमंत्री अमित शाह, रघुवर दास मौजूद है। वही केशव प्रसाद मौर्य योगी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे लोक भवन में। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। लोक भवन में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। थोड़ी देर में इसमें कार्यवाहक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी का नाम का प्रस्ताव रखेंगे। यह मीटिंग शुरू हो चुकी है। जो कार्यवाहक डिप्टी सीएम है जो योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, देख सकते हैं कि मीटिंग शुरू हो गई है। और तस्वीरें ताजा हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मीटिंग की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव कार्यवाहक डिप्टी सीएम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ, कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह सभी मंच पर एक साथ मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में जो कार्यवाहक डिप्टी सीएम है वो योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। यह प्रक्रिया जारी हो चुकी है। वहीं इस मंत्रिमंडल में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी एक अहम रोल देने का एक दिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि स्टेज पर एक साथ सभी मौजूद हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद है, कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव जो कार्यवाहक डिप्टी सीएम है वो थोड़ी देर में रखेंगे। सभी जीते हुए विधायक भी वहां पर मौजूद है। बैठक में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य,
प्रभारी दिनेश शर्मा, चुनाव संयोजक धर्मेंद्र प्रधान, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े नेता शामिल है, एक साथ स्टेज पर मौजूद है। इस दौरान डिप्टी सीएम को लेकर कोई भी फैसला हो सकता है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक को गृह मंत्री अमित शाह और योगी संबोधित भी करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि लगातार स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ को वेलकम करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी ही देर में कार्यवाहक डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव भी रखेंगे। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने राजभवन भी जाएंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक बार जो विधायक दल के नेता है उनका चुनाव होने के बाद, उन्हें चुने जाने के बाद जो योगी आदित्यनाथ है वो राजभवन जाएंगे राज्यपाल के सामने।